हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो एक सब्सक्राइबर का भेजा हुआ है। पुराने अहूजा का ओरिजिनल मॉडल 225 वाट का है जो कि अब नहीं आता है, तो देखिए क्या समस्या है। सर नमस्कार, ये जो मेरा 225 वाट का एम्पलीफायर है और ये मास्टर है, बेस टेबल है और ऑक्स है, ये दोनों ऑक्स है, इसको फुल खोलने से थोड़ा थोड़ा साउंड निकलता है और इसका ये वाला बेस पे इसको 7 वोल्ट रहता है और इधर भी वोल्ट से 35 समथिंग रहता है और इसका वोल्टेज बराबर सब रहता है, लेकिन इधर से एक ट्रांजिस्टर नया लगा है। ये वाला ट्रांजिस्टर नया लगा है, 18-15 लगा है, लेकिन इसका साउंड बहुत स्लो आता है, जब खोलने से बजने से बहुत प्रॉब्लम दिखाता है और इधर मास्टर में जब हाथ लगाते हैं तो बीच वाला वायर से वो ज़्यादा आवाज़ देता है, लेकिन ये ऑक्स लाइन पे साउंड नहीं आता है। इसको मेरे को थोड़ा आप बताएंगे, मैं बनाऊंगा, नहीं तो इसको इधर से आजू बाजू में कोई नहीं बनाता है, बोलते हैं बहुत पुराना एम्पलीफायर है, इसको हम नहीं बना पाएंगे। इसको थोड़ा मेरे को सजेशन बताएंगे और मैं इसको देखूँगा, क्योंकि इसका जो इसके बाइसिंग वोल्टेज तो बराबर आता है, लेकिन इसका जो मॉनिटर एलईडी रहता है ये जल के पूरा रहता है, ये पूरा जल के रहता है, ये चलने से अप डाउन थोड़ा भी कुछ भी नहीं होता है, पूरा जल के रहता है। इसको थोड़ा मेरे को अब बताएंगे। तो ऐसी समस्या लगभग सभी एम्पलीफायर वाले भाई के पास होता है जो कि नए नए सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बात ध्यान देने योग्य है, आप उस बोर्ड को ध्यान से देखिएगा, एक ही तरह के ट्रांजिस्टर यूज होंगे, या तो 18-15 सभी लगा होगा या फिर BC547 या 548 या 549, कोई एक ही तरह का ड्राइवर बोर्ड में सभी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो अगर कोई भी नंबर बदल कर ट्रांजिस्टर कोई मैकेनिक लगाया है तो आप उसको ध्यान दीजिए और उसे हटाकर उसी नंबर के लगाइए जो कि और अगल बगल लगा हो, और उसके बेस कलेक्टर इमीटर को पहचानने की एक वीडियो हम ज़रूर बताएंगे, या फिर आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं उस नंबर के ट्रांजिस्टर का और उस गूगल पेज से ही बेस कलेक्टर इमीटर पहचान पाएंगे, और उस बोर्ड पर भी ध्यान दे करके बेस कलेक्टर इमीटर, उस पर कई कई प्रिंट किया हुआ होता है बोर्ड, या फिर अगल बगल ट्रांजिस्टर बेस कलेक्टर इमीटर देख करके आप समझ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो एलईडी आप बोल रहे थे कि हमेशा जला हुआ होता है, तो इसका प्रीसेट चेक कीजिए, उसको बदलिए और उससे दुगना नंबर का प्रीसेट लगाइए और एलईडी ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।